आपको इससे पहले याद होगा Realme ने 12 Pro सीरीज लॉन्च की थी और उस टाइम से ना यूजर्स वेट कर रहे थे कि कब इसमें इसके बेस वेरिएंट्स लॉन्च किए जाएंगे। सो तब से ना हम वेट देख रहे थे कि कब Realme 12 को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। तो हाल ही में कंपनी ने Realme 12 को लॉन्च कर दिया है और इस सीरीज में दो स्मार्टफोन्स लॉन्च किए गए, Realme 12 5G और Realme 12 Plus 5G। सो Realme 12 Plus 5G का हमने एक वीडियो भी किया था, मैंने एक लिंक शेयर किया है, अगर आप उस फोन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन आज बात करेंगे Realme 12 की। सो इस फोन को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में लॉन्च किया गया है, 20,000 रुपये से कम का स्मार्टफोन है। स्टार्टिंग प्राइस है इसका इंडिया में 16,999, ये इसके बेस वेरिएंट का प्राइस है। इसमें 6GB रैम और 120GB स्टोरेज मिलता है और इसी के साथ कंपनी ने इसका एक और स्टोरेज वेरिएंट लॉन्च किया है जिसका प्राइस है 17,999 और इसमें आपको 8GB रैम और 128GB स्टोरेज मिलता है। सो रैम ऑप्शंस में डिफरेंस है, स्टोरेज ऑलमोस्ट सेम ही है और ये फोन दो अट्रैक्टिव कलर ऑप्शन में आता है, वुडलैंड ग्रीन और एक ट्वाइलाइट पर्पल कलर। सो अच्छी बात ये है कि ये फोन एंड्रॉयड 14 अपडेट के साथ आता है जो Realme के अपने यूजर इंटरफेस 5.0 पर बेस्ड है। ये लेटेस्ट इंटरफेस है तो इससे आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, सारे लेटेस्ट गूगल के फीचर्स मिलेंगे। अब ना कुछ और हाइलाइटेड फीचर्स की बात करते हैं। तो इस फोन में आपको 6.72 इंच का एक फुल HD प्लस रिजोल्यूशन वाला डिस्प्ले दिया है और ये एक एमुलेट डिस्प्ले है, साथ ही इसमें 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिलता है। तो एक बजट फोन है उसके हिसाब से डिस्प्ले फीचर्स अच्छे हैं, एक एमुलेट डिस्प्ले दिया है, हाई डेफिनेशन क्वालिटी आपको मिलती है तो आप अच्छे से कॉन्टेंट स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। अब ना इसके परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो उसके लिए इसमें मीडिया टेक डायमेंसिटी 6100 प्लस चिपसेट दिया है। तो अफोर्डेबल प्राइस में चिपसेट अच्छा है, मल्टीटास्किंग के लिए अच्छा है, नॉर्मल गेमिंग कर सकते हैं और वीडियो स्ट्रीमिंग अच्छे से कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, आपको रैम सपोर्ट भी अच्छा दिया गया है, स्टोरेज भी अच्छी मिलती है। अब आते हैं इसके कैमरा फीचर्स पे। अब इस फोन का सबसे हाईलाइटेड फीचर इसका कैमरा है क्योंकि 20,000 रुपये से भी कम में इस फोन में आपको 108 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी सेंसर दिया गया है, साथ ही 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस मिलता है और सेल्फी के लिए इसमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। तो सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट ये है कि हाई मेगापिक्सल का कैमरा रखा है, प्राइमरी सेंसर जो रखा है, और इतने प्राइस सेगमेंट में काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो जब लोग 15,000 से 20,000 रुपये में कोई फ़ोन खरीदते हैं ना तो उन्हें भी चाहिए होता है कि यार कैमरा फीचर्स अच्छे हों। फ़ोन देखने में स्टाइलिश है, कैमरा भी काफ़ी अच्छा दिया है, कैमरा परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। इवन जो Realme 12 Plus का जो कैमरा परफॉर्मेंस था वो भी बहुत अच्छा था, उसमें प्लस एक एड ऑन OIS सपोर्ट भी दिया गया था। सो दोनों ही जो फ़ोन्स के फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, कुछ हद तक सिमिलर भी हैं क्योंकि ये अफोर्डेबल फ़ोन है तो इसके फीचर्स बहुत सिंपल स्टैंडर्ड फीचर्स रखे गए हैं। अब साथ ही इसमें 5000 mAh की एक नॉर्मल बैटरी साइज मिलता है जिसमें 45W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया है। तो ये वो सारे ओवरऑल फीचर्स हैं जो आपको Realme 12 5G में मिलते हैं। ये फ़ोन बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर्स के साथ तो नहीं आता है लेकिन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो बहुत ज़्यादा फ़ोन का यूज़ नहीं करते लेकिन एक लेटेस्ट फ़ोन खरीदना चाहते हैं, अच्छा बैटरी बैकअप वाला फ़ोन चाहिए, नॉर्मल डिस्प्ले चाहिए, एक अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस भी ऑफर करता है और बजट है 15,000 से 20,000 के बीच में, तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा है और इंडिया में अब इसकी सेल भी स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको कैसा लगा है Realme 12 5G हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।